तो दोस्तों देख सकते हैं आज हम लोग राजन भैया का खेमे में आए हैं और राजन वर्सेस जमशेद काई क्लब से मैच हो रहा है। ये देखिए राजन सर और टीम के कैप्टन हैं और आज कुशाल भैया भी है उनके टीम में लड़ा रहे। देखिए अच्छे प्लेयर है कुशाल भैया और यहाँ पर ही सब कोई है। तो राजन भैया थोड़ा सा बता दीजिए टीम में कौन कौन लड़ा रहा है। जी 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 गोल्डी लड़ा रहा है, बब्बल लड़ा रहा है। ओह माय गॉड इतना बड़ा बड़ा नाम आप पहले ले लिए। तो देख सकते हैं सैफ भैया भी है आज लड़ा रहे हैं टीम में। एक से एक प्लेयर है, धुरंधर सब प्लेयर है। देख सकते हैं सब अच्छे अच्छे प्लेयर है यहाँ मौजूद, आज लड़ा रहे हैं टीम में। देख सकते हैं कुशाल भैया कब लड़ाएंगे भैया। कुशाल भैया अच्छा चलिए ठीक है, मैं सबका पेज आपको दिखाऊंगा दोस्तों, बने रहिए। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है आज का मैच। और देखिए राजन सर को बहुत ही अच्छा खुशमिशाल। वही देख सकते हैं हमारे साथ बब्बल भैया है। कैसा लग रहा है बब्बल भैया? हाँ कलकत्ता में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है आपको? यहाँ के लोग कैसे हैं? अरे यहाँ के लोग भी तो अच्छे, तभी तो आए। थैंक यू बब्बल भैया, बहुत ही अच्छा। देखिए लखनऊ के बब्बल भैया है और देखिए अमर सर, अमर भैया भी है। यहाँ पर एक से एक टीम है आज, एक से एक प्लेयर है आज यहाँ पर ही, एक से एक प्लेयर है। देखिए अमर भैया भी है यहाँ पर ही, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। आप पेच खेले आज आगे की तरह लग रहे। देखिए सलीम भैया पीछे से आप आगे की तरह लगते हैं। सलीम भैया सच में ब्यूटीफुल है आपका नाम, बट आप आगे की तरह लगते पीछे से। देखिए ऐसे ऐसे करने से आप आगे की तरह लग रहे। चलिए आप अच्छा लड़ा रहे, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों अब मैं पेच भी आपको दिखाऊंगा, सब कवर करूंगा, सब अच्छे अच्छे प्लेयर का मैं आपको पेज दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो पे बने रहे। पेज समझते हैं, नीचे से कुशाल भैया और ऊपर से मन्नू। पेज सही हो गया, देख सकते हैं पेज सही है दोस्तों। नीचे से कुशाल भैया, ऊपर से मन्नू, देख सकते हैं पेज सही है दोस्तों। दोनों चेहरी की तरफ ने लिए जा रहे। ये देखिए कंटी मार के और पेज फंसा लिए। देखिए क्या होना है। और यहाँ पर ही कुशाल भैया कट गए और मन्नू ने अच्छा पेज काट दिया। तो पेज समझते हैं, नीचे से है गोल्डी भाई और देख सकते हैं ऊपर से साजिद भैया जमशेद काई क्लब से। पेज सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं साजिद भाई ने गद्दा रखा, गोल्डी भाई ने बचाया। साजिद भाई ने पूरा गद्दा रखा है, गोल्डी भाई ने उठा के दे दिया। ये देखिए क्या होना है, पेज फंस गया दोस्तों। देखिए साजिद भाई के अंदर बल है, गोल्डी भाई के बाहर बल है और ये पड़ाक करके देखिए उछल गया साजिद भाई। बहुत ही अच्छा पेज काटा गोल्डी। पेज समझते हैं, ऊपर से राइट हैंड साइड से सैफ भाई और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से रतन भाई। पेज सही हो चुका है, देख सकते हैं सैफ भाई ने गद्दा रखा है, तेज गद्दा रखा है। ये देखिए रतन भाई रुक गया, सैफ भाई थपथपा के काट दिया यहाँ पर ही। बहुत ही कमाल का पेज काटा है सैफ भाई। शौक करना है, अरे भाई एक दिन का पतंग उड़ाते हैं तो कम से कम भी जी जी 5-7 हज़ार रुपया खर्चा है जी जी फुल टीम का। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो 2-4 हज़ार और जाएगा। सही बात है। देखिए राजन सर ने क्या बोला है, देख सकते हैं सभी भैया अभी एक से एक यहाँ पर। कल भी हम लोग देख आए हैं जी 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 3 हज़ार रुपए कल भी देखे हैं हम लोग हार के। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत की तो गेम ही है। बोला है ये काफी महंगा शौक है जी जी जी, सबका बस का बात ही नहीं है जी सर। ये एकदम सही बात बोले जी, एकदम सही बात बोले। ये नवाबों का शौक है, सीधी बात है, जो नवाब है वही शौक कर पाएगा। देख सकते हैं ब्यूटीफुल सर, नाइस कमिंग, थैंक यू माय ब्रदर सी राजन भाई। अमर का पोजीशन खराब हो गया, मतलब उम्र ज्यादा हो गया और पेच अच्छा काट नहीं सका। और हमने साथ में एक आवाज से स्कूल में ट्रेनिंग सेंटर खोला है और उसमें आ रही है, देखिए अमर भाई सब आ रहा है, काफी जूनियर प्लेयर आ रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पर जी जी जी। और अच्छा पेज लड़ा रही है लोग, थैंक यू। तो पेज समझते हैं, नीचे से है कुशाल भैया और ऊपर से रतन भाई। पेज सही हो चुका है, देख सकते हैं दोनों अपने चेहरे की तरफ लिए जा रहे हैं। कुशाल भाई ने उठा के दिया, देखिए रतन भाई ने गद्दा मारा है, कुशाल भाई ने पकड़ लिए और क्या होना। और बहुत ही अच्छा पेज काटा है यहाँ रतन भाई को, स्लिप हो गए कहीं ना कहीं रतन भाई। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, कुशाल भाई का सेकंड पेज है। नीचे से कुशाल भाई लेफ्ट हैंड साइड से और ऊपर से देख सकते हैं पोल्टूस भाई। पेज सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं पेज सही हो चुका है। देखिए उठा के दिया कुशाल भाई, देखिए पोल्टूस भाई ने पूरा बाहर नोचा, तुषार भाई पूरा थपथपा के सीधा काट दिए और पेज ऑफ द मैच काट। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, ऊपर से देख सकते हैं यहाँ वसीम भाई और नीचे से साजिद भाई। पेज सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं राइट हैंड साइड से वसीम भाई गद्दा रखने के लिए और लेफ्ट हैंड साइड से साजिद भाई। देखिए साजिद भाई ने अपने गुड्डी को भगा रहे पतंग, देखिए बट जाने नहीं दे रहा यहाँ पर वसीम भाई। ये देखिए गद्दा हल्का रखा, ये फिर भगाए, साजिद भाई ने खड़ा खींचा है, वसीम भाई ने भी पूरा खड़ा खींचा, बचा रहे अपने एक दूसरे को। क्या होना है, ये देखिए थपथपा के यहाँ पर ही अंदर थपथपा के काट दिया साजिद भाई को और बहुत ही कमाल का पेच काट दिया यहाँ पर वसीम भाई। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, नीचे से इस बार ले रहे वसीम भाई, ऊपर काटने के बाद अब ये नीचे से ले रहे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से है देखिए मन्नू। पेज सही हो चुका है दोस्तों, क्या होना है देखिए हल्का सा रखा, मन्नू भाई ने गद्दा दिखाया है, वसीम भाई देखिए, वसीम भाई बाहर नोचे या कंटी मार के यहाँ पर ही काट दिया है। बहुत ही अमर का
रोहित भाई को काट दिया। जी जी जी, काफी अच्छा कैप्टन था अमर। जी 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 जी, अच्छा काफी अच्छा काटा भी उसने, बहुत अच्छा काटा सर, ब्यूटीफुल। आप क्या चाहते हैं रोहित के टीम में फिर से अमर चले जाए? हाँ हाँ बेशक, लेकिन वहाँ तो दो इंसान है ना, रतन और रतन और क्या नाम है रोहन। अमर का कहना है कि ये लोग दोनों अजगर है। वो बैठक कर दिया अमर का साथ, ब्यूटीफुल बैठक कर दिया अमर, सब कुछ किया अमर, लेकिन अमर का साथ गेटअप हो गया, रोहन और रोहित मिलके अलग हो गया और इसको साइड कर दिया। अमर का संग गेटअप इसलिए हुआ, वजह क्या कि अमर खर्रा बोलता है, अपना मंजा पतंग उड़ाता है इसलिए। जी जी चलिए ठीक है। अरे अरे रतन तो सुधा छोड़ ले भाई। आइए दोस्तों पेस समझते हैं, दोनों दिग्गज प्लेयर है एक साथ, नीचे से है इस बार देख सकते हैं रतन भाई और ऊपर से है देख सकते हैं यहाँ अमर भाई। पेस सही हो चुका है, देखिए भगा रहे अमर भाई, चेहरा नहीं छोड़ रहे हैं रतन भाई का। ये देखिए अमर भाई का गुड्डी पा रहे हैं और रतन भाई पूरा बाहर खींचा, ये थपथपा के काट दिया यहाँ पर ही और बहुत ही शानदार पेच काट। आइए दोस्तों पेस समझते हैं, नीचे से कुशाल भैया और ऊपर से मन्नू, राइट हैंड साइड से कुशाल भैया, नीचे से ऊपर से मन्नू। देखिए मन्नू ने हल्का गद्दा दिखाया, कुशाल भाई ने खाली कराया, कुशाल भाई पूरा, देखिए कुशाल भाई पूरा बाहर खींचा है, मुन्नू ने डबल करके अपने तरफ खींच के काट दिया है, बहुत ही कमाल का पेच काटा। आइए दोस्तों पेच समझते हैं, ऊपर से है राजन भाई और नीचे से है मन्नू, पेच रोकने आए राजन भाई वरदान काइट क्लब के, जिनका क्लब है देख सकते हैं। मन्नू ने पूरा खड़ा करके दिया है, देखिए पूरा खड़ा किए जा रहे हैं, लग रहा है झोल टालने की कोशिश कर रही है, देखिए पूरा थपका के पूरा उठाया है और ये कंटी मारा है यहाँ पर राजन भाई ने, पूरा तेज खींच के काट दिया है। बबल भैया कैसा लग रहा है? बबल भैया बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया शॉप लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना, हवा कैसी है? बहुत अच्छी है भाई, देखिए टाइम ऑल इंडिया विनर है। हाँ हाँ जी 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 जी, देखिए सैफ भैया बोलते हुए 6 टाइम ऑल इंडिया चैंपियन है यहाँ बब्बल भैया, लास्ट में रनर भी हुए वकील लोग जो जी जी जी, आई थिंक वो टॉच हुआ था शायद, वो बैड लक हो गया, चले कोई बात नहीं। दोस्तों पेस समझते हैं, नीचे से है सैफ भाई और ऊपर से है शाहनवाज भाई, लेफ्ट हैंड साइड से है सैफ भाई नीचे से और राइट हैंड साइड से गद्दा रखने के लिए वो है शाहनवाज भाई। पेस सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं सैफ भाई उठा के दिया है, देखिए गद्दा रखा है शाहनवाज भाई ने, सैफ भाई ने खाली कराया यहाँ पर ही देख सकते हैं, फिर शाहनवाज भाई गद्दा रखा है, शाहनवाज भाई ने पूरा गद्दा रखा है, सैफ भाई ने अंदर ठेला है देख सकते हैं, ये पूरा खींचा है सैफ भाई ने और यहाँ शाहनवाज भाई की पतंग यहाँ घूम के, ये क्या हो गया समझ में नहीं आया। बताइए पतंग यहाँ खराब उड़ रही है तो क्या हालात क्या है यहाँ का, वेदर का वजह से पतंग खराब उड़ रहा है या जान मुझ के उड़ाया जाए? आवाज ज्यादा है जी जी, ठीक है। हाँ हाँ ये पतंग बहक जा रही है, कच्चा कमानी का पतंग है, सब बहक जा रहा है। ओ, तो हम लोग के इधर से भी पतंग कुछ कुछ खराब हुआ है, दोनों तरफ से हो रहा है। चलिए ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। दोस्तों पेस समझते हैं, ऊपर से है देख सकते हैं असलम भाई राइट हैंड साइड से गद्दा रखने के लिए और लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हैं नीचे से है वो है रतन भाई। पेस सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं उठा के दिया है रतन भाई ने, ये देखिए असलम भाई ने हल्का गद्दा रखा है, ये देखिए अचानक से पूरा सीधा खींच के बाहर काट दिए यहाँ, बहुत ही अच्छा। आइए दोस्तों पेस समझते हैं, फिर से नीचे से ले रहे हैं रतन भाई और ऊपर से इस बार सैफ भाई, पेस सही हो चुका है देख सकते हैं, सैफ भाई ने गद्दा रखा है, रतन भाई ने अचानक से फिर खड़ा खींच के काट दिया, बहुत ही अच्छा पेच। आइए दोस्तों पेस समझते हैं, इस बार ऊपर से रोकने के लिए आए हैं अमर भाई रतन भाई को, देख सकते हैं ऊपर से है अमर भाई राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हैं वो है आपका रतन भाई। पेस सही नहीं हुआ, पेच अब सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं रतन भाई पूरी हाथ की तरफ ढूंकते हुए, देखिए अमर भाई ने रखा, ये देखिए रतन भाई पूरी हाथ की तरफ ढूंकते हुए चेहरा बचा रहे हैं अपना और ये देखिए अमर भाई पूरी खड़ी कर लिए पतंग, पूरा आसमान में कर लिए देख सकते हैं, रतन भाई नहीं छोड़ रहे उनको, पूरा आसमान में किए जा रहे, क्या होना है देख सकते हैं, पूरा खींचे जा रहे एक दूसरे का और ये क्या होना है देख सकते हैं, दोनों भगाए जा रहे, रतन भाई ने पूरा दम लगा के खींच दिया यहाँ पर ही, बहुत ही अच्छा काटा है। आइए दोस्तों इस बार राजन भैया रोकने आए हैं ऊपर से वरदान काइट क्लब से, देख सकते हैं राजन भी आए हैं और नीचे से है रतन भाई, जो कि बहुत ही अच्छा पतंग अभी 3 से 4 पतंग काट दिया आई थिंक, और बहुत ही अच्छा ये रोकने के लिए उनको आए देख सकते हैं वरदान काइट क्लब से राजन भी है, देखिए चेहरी की तरफ से लिए जा रहे हैं। पेस सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं पेस सही हो चुका है, रतन भाई फिर से हाथ की तरफ ढूंकते हुए और इस बार चेहरे चेहरे की तरफ लिए जा रहे हैं, देख सकते हैं राजन भैया चेहरे की तरफ लिए जा रहे हैं, राजन भैया पूरी पतंग अपनी उठा लिया है, वो ऊपर से है राजन भैया गद्दा रखने के लिए और नीचे से देखिए धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं रतन भाई, फिर से वही चालाकी बुद्धि कर रहे हैं, ये देखिए उठा के दिया है, ये हल्का अंदर रख रहे हैं, ये राजन भाई ने देखिए क्या होना है, राजन भाई ने पूरा सीधा ही गद्दा मार दिया और यहाँ पर ही खींचने की गलती की और इस बार बचा लिया राजन भैया। आइए दोस्तों पेस समझते हैं, इससे पहले राजन भाई बहुत ही अच्छा गद्दा मार के काटा था रतन भाई को, आप जैसे देख सकते हैं और फिर से वो जानबूझ के ऊपर से ले रहे हैं और इस बार नीचे से है साजिद भाई और ऊपर से है देख सकते हैं राजन भैया। पेस सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं राइट हैंड साइड से है राजन भैया गद्दा रखने के लिए और लेफ्ट हैंड साइड से देखिए पट किया वो है साजिद भाई। पेस सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आसमान में खड़ी खड़ी करके दिए हैं राजन भाई ने, भगाया
देखिए यहाँ पर साजिद भाई भी भगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का पतंग कम कर रहे हैं, शायद कम करके कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे का झोल टालने का। ये देखिए हल्का सा पट किया है यहाँ राजन भाई ने, क्या होना है दोस्तों देख सकते हैं, साजिद भाई ने उठा के दिया है, दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर। ये देखिए सीधा दिखाया, ये बाहर दिखाया है, ये पूरा बाहर दिखाया, ये पूरा दम से बाहर खींच के काट दिया साजिद भाई को, बहुत ही अच्छा राजन। आइए दोस्तों पेस समझते हैं, फिर से ऊपर से ले रहे हैं यहाँ पर ही वरदान काइट क्लब के राजन भैया, और नीचे से इस बार शहनवाज भाई रोकने के लिए आए हैं। पेस सही हो चुका है दोस्तों, क्या होना है, बहुत ही अच्छा गद्दा मार के दो टो काटे थे और पता नहीं इस बार क्या खेलेंगे। देखिए हाथ की तरफ ढूके जा रहे हैं और शहनवाज भाई भी इस बार हाथ की तरफ ढूके जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेच हो रहा है, दोनों ही अच्छा क्लब फाइटर है और बहुत ही अच्छा पेज हो रहा है, देख सकते हैं अंदर बाहर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ही रखा राजन भैया ने रखा है, देखिए शहनवाज भाई ने पॉट किया, ये देखना है क्या होना है। यहाँ पर हल्का सा देखिए शहनवाज भाई ने खाली कराया, यहाँ पर ही राजन भाई ने पूरा दम लगा के खींच के फिर से काट दिया है, यहाँ पर ही बहुत ही कमाल का खींच से काट दे रहे हैं सबको, बहुत ही अच्छा पेज खेल रहे हैं राजन भैया। फिर से ऊपर से लिए, इस बार मन्नू रोकने आए हैं और मन्नू अच्छा प्लेयर है, देख सकते हैं राजन भाई ने फिर गद्दा रखा है, मन्नू ने देखिए क्या करना, मन्नू ने बाहर खींचा, राजन भाई ने पूरा दम लगा के काट दिया, देख सकते हैं राजन भैया बहुत ही शानदार गद्दा, चार गद्दा मोड़ मोड़ के काट दिए हैं, देख सकते हैं पांचवा पेज मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं राजन भैया। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, इस बार नीचे से है राजन भैया, ऊपर से चार गद्दा मारने के बाद इस बार नीचे से प्लानिंग करके नीचे से लिया और ऊपर से अच्छा प्लेयर रतन रोकने आए हैं, देख सकते हैं पांचवा पैच है इनका, काट सकते हैं कि नहीं, पेज सही हो चुका है, देखिए उठा के दिया है रतन भाई ने, देखिए गद्दा रखा और यहाँ पर पट मार के काट दिया, बहुत ही कमाल का पेज का। लगातार पांच पैच काटते हुए राजन भैया बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस राजन भाई, कमाल का परफॉर्मेंस है राजन भाई का, आवाज देख सकते हैं एक से लगातार पांच पतंग काटे, बहुत ही अच्छा, ऊपर से गद्दा मार के चार और नीचे से अभी देखिए कितना सुंदर पेज काटे राजन भाई, देख सकते हैं ऊपर से राजन भाई और नीचे से मन्नू, पेज सही हो चुका है, देखिए राजन भाई ने गद्दा रखा है और मन्नू ने देखिए थपथपा के काट दिया यहाँ पर ही राजन भाई को, अच्छा पेज काट दिया, छट्टा नहीं हुआ है इस बार। क्या राजन भाई गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई, नीचे से बुलाए हैं और अंदर पतंग लेके आ गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा पतंग बर्बाद हो गया ना यार। जी जी जी, आप तो पांच पतंग बहुत ही अच्छा काटे राजन भैया, बहुत ही शानदार काटे आप, थैंक यू भाई। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, नीचे से है गोल्डी भाई और ऊपर से है मन्नू, वन ऑफ द टॉप प्लेयर है गोल्डी भाई, लखनऊ के नाम ही काफी है, और देखना है इस बार बहुत ही बड़ा मैच हो रहा है ये और पता नहीं क्या होने वाला है। पेज सही हो चुका है, देखिए गोल्डी भाई ने उठा के दिया है और यहाँ मन्नू भाई ने देखिए गद्दा रखा है, गोल्डी भाई ने पूरा बाहर खींचा है, देख सकते हैं अंदर पट मार के गोल्डी भाई को काट दिया यार, बहुत ही शानदार पेज। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, ऊपर से सलीम भाई और नीचे से मन्नू, पेज सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से मन्नू है नीचे से और राइट हैंड साइड से गद्दा मारने के लिए सलीम भाई, पेज सही हो चुका है देख सकते हैं, मन्नू ने पूरा उठा के दिया है, ये देखिए अंदर गद्दा मारा है, यहाँ पकड़ लिया, देखिए मन्नू ने थपथपा के काट दिया है बहुत। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, इस बार ऊपर से है यहाँ पर ही अमर भाई, पेज सही हो चुका है देख सकते हैं, राइट हैंड साइड से गद्दा रखने के लिए अमर भाई, मन्नू ने पूरा खड़ा कर दिया है, यहाँ पर क्या होना है देख सकते हैं, अमर भाई ने पूरा उठाया, मन्नू ने पूरा खड़ा करके काट दिया यहाँ पर ही पेज। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, ऊपर से है बब्बल भैया, रोकने के लिए आए मन्नू को और नीचे से है मन्नू, पेज सही हो चुका है देख सकते हैं, मन्नू की पतंग नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से बब्बल भैया, देखना है क्या होता है, पेज सही हो चुका है, देखिए मन्नू ने उठा के दिया, बब्बल भाई ने गद्दा रखा है, ये देखना है क्या होता है, देख सकते हैं मन्नू ने बाहर खींचा, बबल भाई हाथ की तरफ दिखा के काट दिए, बहुत शानदार काटा, ऊपर काट के अब नीचे से बबल भैया और देख सकते हैं ऊपर से है पोल्टूस भाई, देखिए बबल भाई ने थपथपा के ऊपर कर ये जा रहे हैं, पेज सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं बबल भाई ने खाली कराया, हाथ की तरफ जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ही पोल्टूस भाई पूरी कम किए हैं, बबल भाई की पतंग कितनी दूर है देख सकते हैं आप, ये देखिए गद्दा रखा है, ये देखिए गद्दा रखा है, बबल भाई ने बाहर खींचा है, ये पूरा गद्दा रखा, बबल भाई ने देखिए डोर छोड़ दी, ये देखिए डोर छोड़ के पूरा कंटी पॉइंट मार दिया थपका के, बहुत ही शानदार पेज काटा फिर से बबल भाई की, क्या कहें। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, नीचे से राजन भाई और ऊपर से देख सकते हैं मन्नू, राइट हैंड साइड से है वो राजन भाई है नीचे से और लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से गद्दा रखने के लिए वो देखिए मन्नू, पेज सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं राजन भाई की थोड़ी भारी पतंग लग रही है और मन्नू की पतंग देखिए थोड़ी दूर में है, ये देखिए पेज सही हो चुका है, ये देखिए गद्दा रखा है, ये छोड़ा, ये राजन भाई चक्कर में रख के ये पूरा बाहर खींच के काट दिया यार, कमाल का पेज काटा है मन्नू भाई, बहुत ही कमाल का पेज। आइए दोस्तों पेज समझते हैं, इस बार नीचे से फिर से मन्नू भाई है, सेकंड पैच है उनका और देख सकते हैं यहाँ पर ही उनको रोकने के लिए आए हैं अमर भाई, पेज सही हो चुका है, राइट हैंड साइड से गद्दा रखने के लिए अमर भाई और लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से देख सकते हैं वो है मन्नू भाई,
पेस सही हो चुका है। देखिए मनु भाई ने पूरा ऊपर कर करके दिया है, बट अमर भाई अभी गद्दा नहीं रख रहा है। ये देखिए अमर भाई ने हल्का गद्दा दिखाया है, मनु ने खड़ा करके दिया है। अमर भाई पूरा बाहर नोचे है, अमर भाई पूरा दम लगाए, मनु भाई अचानक से कंटी मार के काट दिया है यहाँ, बहुत ही कमाल का पेस। आइए दोस्तों पेस समझते हैं। नीचे से फिर से मनु भाई, तीसरा पैच है मनु भाई का, और रोकने के लिए इस बार आए उस्ताद, देख सकते हैं बब्बल उस्ताद, देख सकते हैं ऑल इंडिया चैंपियन 6 बार, क्या होना है देख सकते हैं। पेस सही हो चुका है, बब्बल भाई ने गद्दा रखा है, देख सकते हैं पूरा गद्दा चल दिया है। मनु ने देखिए थपथपा के काट दिया है, कट मार के बहुत ही शानदार पेच काटा। आइए दोस्तों पेस समझते हैं। नीचे से मनु भाई और इस बार ऊपर से रोकने के लिए आया है सैफ भाई। पेस सही हो चुका है, लगातार 3 पेच काटे, सब अच्छे अच्छे प्लेयर को काटे हैं, और देख सकते हैं इस बार सैफ भाई क्या करते हैं, देखना है। और ऊपर उठा के दिया, देख सकते हैं मनु ने पूरा उठा के दिया यहाँ पर ही। सैफ भाई ने देखिए हल्का उठाया, सैफ भाई ने भगाया, देख सकते हैं थपथपा के, देखिए सर दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं यहाँ पर ही, पूरा छोड़ नहीं रहे हैं यहाँ पर ही, लगता है 4 काटी के रहेंगे। और सैफ भाई देखिए धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं पतंग, और वो भी देख सकते हैं मनु छोड़ नहीं रहे, पूरा खड़ा कर दिया यहाँ पर ही। सैफ भाई ने गद्दा रखा है यहाँ पर ही, मनु ने ये थपका के काट दिया यार, बहुत ही शानदार पेच काटा है 4 नंबर का। दोस्तों पैच रोकने आया इस बार राजन भाई, लगातार 4 पेच काट दिया उस्ताद लोग को, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं मनु, बहुत ही अच्छा, देखना है 5 होता है कि नहीं। पेच सही हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं भारी पतंग लेके राजन भाई आए, देखिए अंदर गद्दा रखा है, मनु भाई ने पूरा थपका के यहाँ पर ही काट दिया, बहुत ही कमाल का पेच काटा यहाँ पर ही। आइए दोस्तों पेस समझते हैं। लगातार 5 पैच उस्तादों लोगों को काटने के लिए 6ठा पैच रोकने आए हैं कुशाल भैया, ऊपर से कुशाल भैया, और देख सकते हैं नीचे से मनु भाई। पेस सही हो चुका है, मनु ने उठा के दिया, देख सकते हैं अंदर पार किए जा रहे, पट किया यहाँ पर ही, कंटी पट किया नहीं लगा, ये देख सकते हैं फिर बचाया यहाँ पर ही कुशाल भैया, थोड़ा टाइम लेके लड़ा रहे हैं यहाँ पर ही। मनु ने पूरा खड़ी कर ली पतंग, यहाँ देखना क्या होता है, कुशाल भैया हाथ की तरफ ढुकते हुए, मनु भी उनके हाथ की तरफ ढुकते हुए यहाँ पर ही। देखिए कुशाल भैया ने गद्दा रखा है यहाँ, मनु ने क्या करना है यहाँ पर, पूरा दम लगा के मनु को हर खींच के काट दिया 6ठा पैच, बहुत ही कमाल। आए दोस्तों पेस समझते हैं। नीचे से है मनु भाई और ऊपर से खतरनाक गोल्डी भाई, सत्ता रोकने के लिए क्या होता है देख सकते हैं, सत्ता होता है कि नहीं। मनु भाई पूरा खड़ा करके दिए, देखिए पूरा हाथ की तरफ ढूंढते हुए यहाँ गोल्डी भाई, देखिए बाहर किया अपने, मनु ने पूरा खड़ा कर लिया है यहाँ, दिखता है क्या होना है, यहाँ गोल्डी भाई ने कंटी मारा, मनु ने पूरा टपका के काट दिया, सत्ता हो गया। वाह मेरे भाई मनु, वाह क्या पेच खेला है, बहुत ही कमाल का पेच खेला है दोस्तों, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये मैच को, बहुत ही अच्छा और तगड़ा मैच हुआ है। मुझे लगा था राजन वरदान का एक क्लब मैच जीत जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, लास्ट में एंड टाइम में मनु ने जो सत्ता मारा पूरा गेम पलट दिया भाई, और मनु बहुत ही कमाल का प्लेयर है, उभरता हुआ सितारा है हम लोग का कोलकाता का, बड़े बड़े दिग्गज गोल्डी भाई, ऑल इंडिया 6 बार चैंपियन बब्बल भाई, किसी को टिकने नहीं दिया भाई, क्या प्लेयर है भाई, मान गया भाई आपको, बहुत ही शानदार खेला है और बहुत ही मजा आया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, थैंक यू।